सब्सक्राइब कीजिए टैग्स ए यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल के आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट फराज और आप देख रहे हैं टैक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम एडसेंस अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं अपने यूट्यूब के चैनल के लिए। पिछली वीडियो में जैसा कि हमने देखा, हमने अपने जीमेल का अकाउंट बनाया था, यूट्यूब का अकाउंट बनाया था और यूट्यूब के चैनल की तमाम सेटिंग मैंने आपको करके दिखाई थी पिछली वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है वाली वीडियो हमारी देख सकते हैं। पार्ट वन, ये हमारा आज इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट टू शुरू होगा, एडसेंस अकाउंट के लिए किस तरह अप्लाई करना है, ये लास्ट पार्ट होगा इसका आखिरी, क्योंकि जो बेसिक काम था चैनल बनाना, चैनल की तमाम सेटिंग करना, वो हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने सिर्फ जो है एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। तो बिना टाइम जाया कि चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र खोलें, ब्राउज़र में अपने यूट्यूब खोलें, यहाँ पे मैंने यूट्यूब खोली हुई है। यूट्यूब खोलने के बाद यहाँ से आपने आ जाना है क्रिएटर स्टूडियो में। यहाँ पे आपको आपका आइकन नज़र आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ पे आपने क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक कर देना। क्रिएटर स्टूडियो पे जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद आपने यहाँ से आ जाएंगे चैनल में। चैनल में आने के बाद आपने यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मोनेटाइजेशन को आपने यहाँ से इनेबल करना है। इनेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे कहें कि आपको जो है 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपने गेन करने हैं, या आपको चाहिए 4000 वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर, इसको आपने इग्नोर कर देना। ये तो जब हो जाएंगे तब आपका एडसेंस जो है सॉरी जब जब ये हो जाएंगे कंप्लीट 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम, तब जो है आपके ऐड जो है आपकी वीडियोस शो होना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले आपने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। एडसेंस के लिए अप्लाई करने का कुछ तरीका का इस तरह से, जैसे कि आपको यहाँ पर बटन नज़र आ रहा है स्टार्ट का, इस पर क्लिक करेंगे आप चैनल में आने के बाद, तो आपके पास ये कुछ इस तरह की एक अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन ये कुछ शो हो जाएगा आपको। इसको आपने ध्यान से और गौर से पढ़ लेना है अच्छे तरीके से। ये जो है यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस वगैरह है, इनकी तमाम जो भी इनके तरीके का है, किस तरह से आपने वीडियो अपलोड करनी है, क्या इनकी शरायत वगैरह है, जो भी इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। मैं तो नहीं पढ़ रहा क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आप लोग ये पढ़ लिएगा ज़रूर लाजमी, ठीक है। तो यहाँ से आपने इसको ये तमाम पढ़ने के बाद पूरा यहाँ से आई हैव रीड एंड एग्री और आई एग्री दैट आई विल नॉट क्लिक, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर देना आई विल नॉट ऑप्ट इन एनी, इन तीनों पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने कर देना है आई एक्सेप्ट। ये आई एक्सेप्ट करने के बाद आपको जो है पहला स्टेप हो जाएगा कंप्लीट यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म एक्सेप्टेड, उसके बाद आपने जो है एडसेंस के लिए साइन अप करना है। यहाँ पे आप स्टार्ट के बटन पे क्लिक करें, स्टार्ट के बटन पे क्लिक करने के कुछ इस तरह शो होगा आपके पास, आपने यहाँ से कर देना नेक्स्ट। उसके बाद जो आपने अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करना है, जिस अकाउंट से आपने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया उसी अकाउंट से आपने जीमेल लॉगिन करके जो है एडसेंस के लिए अप्लाई करना है। मैं यहाँ से भी वाला अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ अपना, जो हमने पिछली वीडियो में आपके सामने क्रिएट करा था। यहाँ पे हमारा एडसेंस का अकाउंट खुल चुका है लॉगिन करने के बाद। यहाँ पे आपसे जो है वेबसाइट मांग रहा है, तो आपके चैनल का लिंक मांग रहा है, तो यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट यूट्यूब से आप अगर अप्लाई करते हैं एडसेंस के लिए तो यहाँ पे आपको लिंक देने की ज़रूरत नहीं है, अपने चैनल का लिंक जो है खुद ब खुद यहाँ पे लिखा आ जाएगा। अगर आप डायरेक्ट नहीं करते तो फिर आपको यहाँ पे जो है लिंक देना पड़ेगा अपनी वेबसाइट या उसका यूट्यूब के चैनल का, ठीक हो गया। पहला स्टेप ही हो गया, उसके बाद दूसरा स्टेप भी कह रहा है यहाँ पे गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस या सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन, मतलब कि अगर आप इसको यस करते हैं तो इनकी जो भी अपडेट वगैरह आएगी एडसेंस के हवाले से वो जो आपको ईमेल के थ्रू आपके पास पहुंच जाएगी, और अगर आप ये करते हैं नो डोंट सेंड मी कस्टमाइज हेल्प एंड परफॉर्मेंस सजेशन तो आपके पास जो कोई भी ईमेल वगैरह नहीं आएगी। तो इसको मेरा तो ये कहना है कि आपको आप इसको यहाँ से यस कर दें, आगे आपने खुद देख लिया जो भी आपको मर्जी। उसके बाद आपने यहाँ से कंट्री सेलेक्ट करना है, कंट्री सेलेक्ट करने के लिए आपको जो भी कंट्री है पाकिस्तान है इंडिया है जो भी है यहाँ से आपने कंट्री सेलेक्ट करनी है, हमारा पाकिस्तान है तो मैं यहाँ से जो है पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ इनकी कंडीशन आ जाएगी, अगर आप ये पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे तो सारी इंग्लिश में है, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। उसके बाद पढ़ने के बाद जो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना येस आई एग्री एंड एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है क्रिएट अकाउंट पे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे कुछ इस तरह से शो हो जाएगा, आपने इसको यहाँ से जो है गेट स्टार्टेड पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास जो इस तरह का कुछ फॉर्म ऐसा ओपन हो जाएगा। पेमेंट एड्रेस डिटेल वगैरह यहाँ पे आपने देनी है अपना, तमाम आपका जो भी है यहाँ पे आपने गौर से देखना, कोई जल्दबाजी कोई गलत नहीं करना, ये क्योंकि आपके एडसेंस का
अकाउंट मेन मेन चीज़ है ये। अगर आप एड्रेस अपना गलत देंगे, पेमेंट इंफॉर्मेशन गलत देंगे, तो आप तक जो है आपकी पेमेंट नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आपने यहाँ पे अपना एड्रेस भी सही देना है और पेमेंट इंफॉर्मेशन जो भी कुछ यहाँ पे मांग रहा है बिल्कुल सही देना है। मैं आपको समझा रहता हूँ कि सरल देना है यहाँ पे। अपने अकाउंट टाइप अपना इंडिविजुअली रहने देना है, बिजनेस नहीं करना, क्योंकि आपका अगर वैसे अकाउंट है टैग के रिलेटेड है या कोई भी इस तरह का है तो आपने यहाँ पे जो है बाहर इंडिविजुअली रहने देना है। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है नेम, नेम में आपने यहाँ पे आपका जो अकाउंट का नेम लिखा जाएगा यूट्यूब पे, यहाँ पे आपने इसको कट करके आपने अपना नाम लिख देना है। उसमें आपको जो भी नाम है मोहम्मद बकार, मोहम्मद अवैस, जो भी आपका नाम है वहाँ यहाँ पे जो है आपने इसको कट करके आपने अपना नाम देना है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाती हैं ये दो लाइन एड्रेस की, एक और ये दो। यहाँ पे आपने अपना फुल एड्रेस देना है, जो भी आपका एड्रेस है, जो भी आपके मकान नंबर है, गली नंबर है, मोहल्ला है, सेक्टर जो भी वगैरह वगैरह, यहाँ पे जो है आपने वो देना है, पूरा मुकम्मल सही एड्रेस देना है बिल्कुल। कोई इसमें वो नहीं करना गलत एड्रेस ही देना। यहाँ पे आपका जो सिटी है कराची है या जो भी आपका कंट्री का रियासत, आपने यहाँ पे वो देना, सिटी देना। सिटी देने के बाद आपने यहाँ पे पोस्टल कोड देना है, पोस्टल कोड आपने लाजमी देना है और ये सही देना है, कोई गलत नहीं देना। अगर अगर तो आप कराची में, तो कराची का पोस्टल कोड जो है 7 7 4 9 00 है। अगर आप किसी और सिटी से हैं तो उसका तो मुझे नहीं मालूम है, या जो भी आपके किसी और बाहर मुल्क से हैं तो आप यह गूगल पे चेक कर सकते हैं आपको जो पोस्टल कोड क्या है। गूगल पे आप चेक कर लें और यहाँ पे जो है पोस्टल कोड दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अपने फ़ोन नंबर देना, यहाँ पे आपने अपना फ़ोन नंबर, करंट फ़ोन नंबर देना है, जो कि आपको फ़ोन नंबर ऑन हो। बिलफर्ज़ अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर कोई एडसेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन अगर आती भी आपके पास, आपकी ईमेल नहीं होती ऑन, तो आपको जो है नंबर पे एसएमएस मिल जाया करेगा इनका एडसेंस का। नंबर आपने सही देना है, आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन है तमाम आपने सही देनी है बिल्कुल, ये याद रखना है। अगर एक भी इन्फॉर्मेशन गलत दी तो आपकी पेमेंट जो है आप तक नहीं पहुँची, आपकी सारी मेहनत जो है ज़ाया भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म तो फिल नहीं करना क्योंकि मुझे एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना है, मैंने जस्ट आप लोगों को समझाना था। तो यहाँ पे आपने अपना नाम वगैरह दे के, एड्रेस दे के, पोस्टल कोड, फ़ोन नंबर दे के जो है यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपको जो है एक दिन में या उससे थोड़े ज़्यादा टाइम में जो है आपको एक हमारी ईमेल आ जाएगी, जिसमें कि आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाएगा एडसेंस के लिए। तो जब ये मैसेज आपके पास आ जाए उसके बाद आपने एडसेंस अकाउंट बंद कर देना। बार बार आपने एडसेंस अकाउंट खोल के नहीं देखना, आपने जो है अपनी जीमेल की आईडी देखनी है। जीमेल पर अगर एडसेंस वाली कोई ईमेल आती है तब आपने जो है एडसेंस का अकाउंट खोलना। जब तक एडसेंस वालों की कोई ईमेल ना आए, जब तक आपने जो है कोशिश करें कि आप एडसेंस का अकाउंट ना खोलें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना इसमें यह होता है कि काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग सकता है अप्लाई होने में एडसेंस के लिए, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई रिप्लाई ही ना आए। इसलिए रिस्क लेने से बेहतर है थोड़ी सी बंदा एहतियात कर ले तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को समझ आ गया होगा एडसेंस के लिए किस तरह से अप्लाई करना है और यूट्यूब चैनल वगैरह किस तरह से बनाना है, उसकी तमाम सेटिंग किस तरह से करनी है। मैंने आपको समझा दिया सब डिटेल के साथ। अगर इसमें भी आपको कुछ समझ नहीं आया, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मसला आता है, तो आप जो है मुझसे वीडियो के कमेंट में पूछ लें, या मेरा व्हाट्सअप का नंबर है मुझसे वहाँ पर पूछ लें, हमारा फेसबुक का ग्रुप है आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर गाइड कर दूँगा। फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यार। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।